Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the 10th worksheet, which is related to your civics chapter 2 constitutional design. Students, बहुत सारे students मुझे comment कर रहे हैं कि मैं videos केवल English medium students के लिए डाल रही हूँ, हिंदी medium के लिए क्यों नहीं बना रही हूँ. तो students से let me clear one thing कि आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. केवल बेसिक सा डिफरेंस होता है, कुछ टर्म्स जो होती हैं वो उनका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. और मैं मैटर मेरा जो पीपीटी होती हैं वो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में यानी मदर टंग में भी आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेकर चलूं और आप दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकूं. यदि मैं अपने इस एफर्ट में सक्सेसफुल होती हूं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने ऐसा नहीं किया है तो. जैसे ही आप मेरी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखेंगे उसे प्रेस कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन भी है उसे भी दबा लें. ये बिल्कुल फ्री है, इसको आपका कोई भी चार्ज नहीं देना है. बस इतना हो जाएगा जैसे ही आप प्रेस बेल को प्रेस करेंगे तो मैं जब भी वर्कशीट की कोई नई वीडियो डालूंगी उसका लिंक आपको पहले से मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे. क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप लोगों की कमेंट्स, जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, वही मेरी मोटिवेशन होती है ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बना सकूँ. तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें. आर यू रेडी फॉर टुडेज वर्कशीट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आपकी फर्स्ट जो वर्कशीट है वो है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल सिटीजन्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. संविधान लिखे गए नियमों की एक ऐसी बुक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियमों का देश में रहने वाले सभी लोग यानी नागरिकों को पालन करना होता है. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए हैं वो सब उसको फॉलो करें, सारे सिटीजन्स उसको फॉलो करें, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग सिटीजन्स एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमारे लिए सबसे बड़ा कानून होता है और इससे संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है. यानी कि एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ क्या रिलेशन रहेगा और एक सिटीजन का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है, वही हमें बताता है. तो आपको संविधान का मतलब आप समझ गए हैं कि लिखित नियमों की एक ऐसी बुक होती है, रिटन रूल्स की एक ऐसा सेट होता है जिसके नियमों का देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पालन करना होता है. दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल और सिटीजन्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. यही हमारा सुप्रीम लॉ होता है और यही सिटीजन्स का सिटीजन्स के साथ और सिटीजन्स का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है डिफाइन करता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों होता है. इसको समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप एक दो लाइन हैं स्टूडेंट्स की और दोनों लाइन्स में 10-10 स्टूडेंट खड़े हैं और यहाँ पर जो टीचर है वो एक एक्टिविटी करा रहा है बच्चों की. मैं कॉमनली अपनी क्लास में ये वाली एक्टिविटी कराती हूँ ताकि बच्चों को समझा सकूँ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है.
हम फर्स्ट बच्चे को एक पेन देते हैं और उसे कहते हैं कि ये जो पेन है ये लास्ट वाले बच्चे तक पहुंचना चाहिए, आप इसको पहुंचाकर वापस, जो पहले पहुंचाएगा और वापस लेकर आएगा वही टीम जीत जाएगी। तो ये वाला जो है ये दो दो बच्चों को छोड़कर तीसरे को देता है, फिर उसके बाद सिक्स्थ वाले को देता है, ऐसे करके ये पेन यहाँ तक पहुँचता है और वापस आ जाता है। और ये वाली जो रो होती हैं ये फर्स्ट स्टूडेंट से टेंथ स्टूडेंट को कैच कराता है और टेंथ वाला वापस फर्स्ट को कैच कराता है, जिससे ये थोड़ा हाँ फास्ट कर लेते हैं, तो ये वाली टीम जीत जाती है। अब जब मैंने यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि कैसे पेन को पास करना है और कैसे नहीं करना, मैंने केवल ये कहा था कि आपको पेन लास्ट स्टूडेंट तक पहुँचना है और वहाँ से वापस लेकर आना है। अब मैं रूल्स बना देती हूँ कि जब भी ये पेन जाएगा तो ये हर बच्चे के हाथ से टच होकर जाएगा और ऐसे ही आपको लास्ट बच्चे से वापस से फर्स्ट बच्चे से हर बच्चे के हाथ से क्रॉस होता हुआ फर्स्ट बच्चे तक आना चाहिए। अब जब स्टूडेंट्स हैं वो जो जितनी फास्ट करेगा वो वाली टीम जीत जाएगी। नाउ द सिचुएशन इज कि इन दोनों सिचुएशंस में क्या डिफरेंस है, आप खुद हिसाब लगाइए कि जो पहले वाली कंडीशन थी बिना किसी रूल रेगुलेशन के, वहाँ लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा है, या सेकंड सिचुएशन में जहाँ पर मैंने रूल्स के साथ गेम को खिलाया। ऑब्वियसली फर्स्ट सिचुएशन में डिस्प्यूट होने की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, वहाँ लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हमारे लिए सेकंड सिचुएशन बेस्ट होती है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। उसी तरह से हम अब देख लेते हैं अपना व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स सो दैट द कंट्री इज गोइंग स्मूथली। बहुत सारे देशों को कानून की ज़रूरत होती है क्योंकि ताकि जो सरकार है वो अच्छे से काम कर सके। सेकेंड, इवन एनी एसोसिएशन वेदर गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल नीड्स टू हैव इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स टू फंक्शन। यहाँ तक कि कोई भी सरकारी हो या गैर सरकारी संगठन हो, उनको भी चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है। दस ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी संस्थाओं को, सभी संगठनों को संविधान की ज़रूरत होती है। All the democratic countries must have their own constitution like United States of America, France, India. जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान ज़रूर होना चाहिए, होता है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इंडिया। And it has generally become a practice in all democracies to have a written constitution. धीरे धीरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो अपना एक लिखित संविधान बनाने का एक फैशन हो गया है। हाउएवर इन सम कंट्रीज़ लाइक ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल हैव ऑल्सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन, कनाडा, इज़राइल में भी कुछ अलिखित संविधान है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ फॉर हिंदी मीडियम, मैंने हर उस लाइन को हिंदी में भी समझाया है, मुझे नहीं लगता हिंदी वाले स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपके स्कूल का। हमारा जो स्कूल है, वेदर इट इज़ अ प्राइवेट स्कूल, वेदर इट इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, आपने देखा होगा कि रूल्स हर क्लास के अंदर होते हैं। आपको फर्स्ट पीरियड इतने बजे लेना है, आपकी असेंबली इतने बजे होगी, आपको स्कूल की टाइमिंग्स फिक्स होती हैं, कौन सा टीचर कब पढ़ाएगा ये भी फिक्स होता है। सोचिए अगर कोई टाइम टेबल ही ना हो, आपको यही नहीं पता हो कि आपको स्कूल कब आना है, आपकी छुट्टी कब होगी, तो कितना क्योस हो जाएगा स्कूल के अंदर। क्या स्कूल प्रॉपरली रन कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको स्मूथली चलाने के लिए हमें संविधान चाहिए ही चाहिए होता है। ये नेसेसरी पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ जो संविधान है वो करता क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इट जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टुगेदर। जो किसी भी कंट्री में एक साथ जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन
जनरेट करता है. इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन, इसके अंदर सरकार कैसे बनेगी और पावर डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास रहेगी, ये स्पेसिफाइड होता है. इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर. कोई भी जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे, इसलिए उनकी पावर को लिमिटेड करती है और सिटीजन्स को बताती हैं कि उनके क्या क्या राइट हैं और वो कैसे गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकती हैं. इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अच्छे समाज को विकसित करने के लिए लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, वो भी ये डिफाइन करता है. एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि जो देश में एक साथ जो सिटीजन्स नागरिक रह रहे हैं उनको उनके बीच में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है. सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कौन से फैसले लेने का राइट किसके पास होगा, ये स्पष्ट करता है, क्लियर करता है. समाज के अधिकारों की सीमा रेखा तय करता है और नागरिकों के अधिकारों को स्पष्ट करता है. यानी सरकार जो है अपनी शक्तियों का मिसयूज ना करे, इसलिए उनकी एक सीमा रेखा बना देता है और नागरिकों को बताता है कि वो कैसे, उनके क्या क्या राइट्स हैं और वो कैसे उनको यूज़ करके गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं. अच्छा समाज बनना चाहिए, सभी लोग जो नागरिक हैं वो सभी चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो इनके लिए सोसाइटी को लेकर के कैसी होनी चाहिए, सबकी कुछ एस्पिरेशंस या आकांक्षाएं होती हैं, तो उनको भी व्यक्त करता है. हेयर यू कैन सी द वर्कशीट्स ऑफ बोथ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स. मैंने आपको अच्छे से समझाया है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और ये क्या काम करता है. मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री, किसी भी देश में संविधान क्या काम करता है. Why did democratic country adopt the constitution? जो democratic countries होते हैं जहाँ पर जो citizens हैं वो अपने leader का elect खुद करती हैं, वहाँ पर हमें constitution क्यों चाहिए होता है. लोगों को नियम क्यों follow करने चाहिए. What would happen if we do not follow the traffic rules? क्या होगा यदि हम सड़क पर चलते हुए सड़क के नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का पालन ना करें. सिमिलरली व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन अस इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री. तो क्या इसी तरह से देश के लिए जब संविधान ना हो तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है. हिंदी में भी सेम ही है. संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या काम करता है, लोकतांत्रिक जो देश हैं वो संविधान को क्यों अपनाते हैं, लोग नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, और सड़क पर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या स्थिति हो सकती है, और यदि हमारे देश में उसी तरह संविधान ना हो तो हमारे देश में कैसी स्थिति उत्पन्न होगी. तो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वर्कशीट. इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव बिग थम्स अप. And don't forget to press the bell button so that you will get the notification of my new video. Stay safe, stay healthy, have a nice day.